चंद्रयान 2 की शुरुआती सफलता के बाद इसरो अब सूर्य पर भी एक नए मिशन को भेजने की तैयारी में जुट गया है। ये एक ऐसा मिशन है जो अंतरिक्ष की दुनिया में नासा के प्रभुत्व को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। चंद्रयान 2 की सफलता से उत्साहित इसरो के वैज्ञानिक अब इस नए मिशन को भी पूरे उत्साह के साथ सफलता की राह पर आगे ले जाना चाहते हैं। इसरो ने अपने इस नए मिशन को आदित्य 1 नाम दिया है। हालांकि ये मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पहले ही अप्रूव किया जा चुका है और वर्तमान में इसरो के द्वारा आदित्य 1 सैटेलाइट को बनाने का काम चल रहा है। आदित्य 1 एक 400 किलोग्राम क्लास की सैटेलाइट है जो अपने साथ एक मेन पेलोड VELC या विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ को कैरी करेगी। इस पेलोड का मुख्य उद्देश्य सोलर कोरोना तथा कोरोनल मास इजेक्शन के डायनेमिक्स और ओरिजिन के डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स का अध्ययन करना है। आदित्य 1 को पृथ्वी के 800 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा, जहां से ये ट्रेवल करता हुआ लग्रांज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। लग्रांज पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिन पर अर्थ की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है, यानी इन पॉइंट्स पर स्थित कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी और सूर्य के बीच बिना एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च किए आराम से स्टेबल रह सकती है। और इसी लग्रांज पॉइंट L1 पर इसरो आदित्य मिशन को स्थापित करेगा। इस मिशन के लिए इसरो के द्वारा लग्रांज पॉइंट 1 या L1 पॉइंट का सिलेक्शन किया गया है। इसी कारण इस मिशन को आदित्य L1 मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इस सैटेलाइट को लग्रांज पॉइंट पर स्थापित करने का एक फायदा ये भी होगा कि इसे कभी भी ग्रहण का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ये 24 घंटे सूर्य पर अपनी नज़र बनाए रख सकती है। लग्रांज पॉइंट 1 पृथ्वी से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर हेलो ऑर्बिट में मौजूद है। 2019-20 के मध्य आदित्य L1 को लॉन्च करने के बाद ये सैटेलाइट इसी पॉइंट पर पहुंचकर सूर्य का अध्ययन करना स्टार्ट करेगी। ये सैटेलाइट अपने साथ एक मुख्य पेलोड के अलावा 6 एडिशनल पेलोड भी लेकर जाएगी जो सूर्य का बारीकी से अध्ययन करने में इसकी मदद करेंगे। हालांकि आदित्य L1 का मुख्य उद्देश्य सूर्य की कोरोना का अध्ययन करना है। कोरोना सूर्य के सबसे बाहरी वातावरण को कहा जाता है जो फोटोस्फीयर के कई हजारों किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। लेकिन यहाँ अजीब बात यह है कि सूर्य की सतह का तापमान करीब 6000 केल्विन होता है, जबकि सूर्य की सतह से दूर जाते हैं तो तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है और कोरोना तक पहुँचते पहुँचते ये तापमान मिलियन डिग्री केल्विन तक पहुँच जाता है, जो सूर्य की सतह की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। सूर्य की कोरोना को इतना अधिक टेम्परेचर कहाँ से और कैसे मिलता है, ये सवाल आज तक सोलर फिजिक्स में सबसे बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2018 में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब भी सूर्य की कोरोना के इस रहस्य से पर्दा उठाने की निरंतर कोशिश कर रहा है। हाल ही में 4 अप्रैल 2019 को पार्कर सोलर प्रोब दूसरी बार सूर्य के नज़दीक से गुजरा था। इस दौरान उसने सूर्य की कोरोना को ऑब्जर्व भी किया और तब से लेकर अब तक करीब 22 GB डेटा को स्टोर किया है। इस डेटा को नासा के द्वारा 24 जुलाई से डाउनलोड करने की कोशिशें की जा रही हैं, जो 15 अगस्त तक पूरी तरह डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद नासा की मिशन टीम इस डेटा को एनालिसिस कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। हालांकि पार्कर सोलर प्रोब को कोरोना के रहस्य से पर्दा उठाने में 2021 या 22 तक का समय लग सकता है, लेकिन इसरो के द्वारा आदित्य L1 को 2019-20 के मध्य में ही लॉन्च कर दिया जाएगा, जो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना को ऑब्जर्व कर इसकी पूरी जानकारी इसरो तक भेजता रहेगा। इसके अलावा आदित्य L1 के पार्टिकल पेलोड सूर्य से L1 ऑर्बिट तक पहुंचने वाली पार्टिकल फ्लक्स का अध्ययन करेंगे तथा इसका मैग्नेटोमीटर पेलोड हेलो ऑर्बिट में लग्रांज पॉइंट 1 के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में वेरिएशन को ऑब्जर्व करेगा। आदित्य 1 में यूज किए गए पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में यूजफुल नहीं है, इसलिए सभी पेलोड्स को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि ये पेलोड्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से डिस्टर्ब हो सकते हैं। इस मिशन में मल्टीपल पेलोड्स को शामिल करने के कारण ये मिशन देश भर के विभिन्न इंस्टीट्यूट के सोलर साइंटिस्ट को स्पेस बेस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन में शामिल होने का मौका देगा। यानी अब मंगल और चंद्रमा के बाद सूर्य पर भी लो बजट में एक बड़े मिशन को भेजकर इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने वाला है। हालांकि यहां ये देखना दिलचस्प होगा कि नासा और इसरो में से कौन पहले कोरोना के रहस्य से पर्दा उठा सकता है।
आपको क्या लगता है, ये कारनामा कौन पहले कर पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले शनिवार शाम 6 बजे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।